युवाओं के साथ जमकर झूमे और नाचे नकुलनाथ, ढोलक की थाप पर थिरके विधायक भी, 6 जनसभाएं। विवेकानंद कॉलोनी में बना कांग्रेस का चुनावी कार्यालय, नकुलनाथ ने किया उद्घाटन। स्टेडियम में लगी खिलाड़ी चौपाल, जिला शिक्षा अधिकारी ने दिलाई मतदान शपथ। और चुनावी अधिसूचना जारी, कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील, सक्षम अधिकारियों ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस के युवा नेता नकुलनाथ इन दिनों 4 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। उन्होंने 3 विकास खंडों के 6 बड़े गांवों में जनसभाएं ली। पांडुना विधानसभा के धगड़िया माल में नकुलनाथ का स्वागत लोक परंपराओं के साथ किया गया। धगड़िया माल में आदिवासी युवाओं की टोली ने नकुलनाथ का स्वागत लोक नृत्य के साथ किया। इस मौके पर नकुल भी खुद को रोक नहीं पाए और ढोल बजाकर खुशी व्यक्त की। ढोल की थाप पर उपस्थित विधायक भी युवा मंडली में जमकर थिरके। समसवाड़ा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं, किसानों और मातृशक्ति से सच्चाई का साथ देने की बात की। जनता से रूबरू होते हुए मंच पर आते साथियों, गौतम पटेल जी, हरिराम गढ़ाड़ी मुख्यमंत्री बनाया है, आदरणीय भाइयों, यहाँ के सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ आपको ये बताने कि कुछ दिन पहले कमलनाथ जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अब वे मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके पास पूरा समय नहीं बन पा रहा छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों की सेवा करो, और ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी मैं पूरी श्रद्धा, निष्ठा, मेहनत और प्रेम से निभाऊंगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि कमलनाथ जी की प्राथमिकता हमेशा हमारे किसान भाई बहन हैं। आप लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 1 घंटे के अंदर सिर्फ छिंदवाड़ा के किसानों का नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में 50 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। राशि की मांग उठी थी, 2 दिन बाद कमलनाथ जी ने 52 की राशि की घोषणा कर दी। साथियों, अब 29 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे अफवाहें और हमारे किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा और भाव अंतर की राशि नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको
इस मंच से आश्वासन देता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन लोकसभा के चुनाव खत्म होते हैं और जिस दिन आचार संहिता हटती है उसके अगले दिन से ही किसानों का कर्जा माफ का कार्य और बावनधन की राशि का कार्य शुरू होगा। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने आप लोगों से कितने झूठ और झूठे वायदे किए। आप लोगों को याद होगा, उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, किसानों को उनके फसलों का दुगना दाम देंगे। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को वो रोजगार देंगे। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा 100 दिन में काला धन वापस आएगा, आप सब खाते खुलवा लीजिए, आपके खाते में 15 लाख रुपए आएगा। इनमें से ना ही तो 15 लाख आपके खाते में आए, ना ही हमारे किसानों को अपने फसल की दुगने दाम मिले, ना ही किसी नौजवान को रोजगार मिला। तो आप लोगों के सामने ये झूठ की तस्वीर है और आपको फैसला करना है कि आप साथ किसका देंगे। ये झूठे वायदे करने वाली पार्टी या कांग्रेस पार्टी। हमने जो भी वादा आपसे किया था वो पूरा करके दिखाया। आप सब जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं कि चौरई क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। आप लोगों की मांग थी कि पानी की समस्या का कोई हल निकाला जाए और कमलनाथ जी ने माचागुड़ा डैम द्वारा आपकी पानी की समस्या खत्म की है। अब क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो आपके बीच में आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, आपसे धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, जाति के नाम पर आपसे वोट मांगेंगे। मैं जानता हूं आप सब लोग समझदार लोग हैं, आप सच का साथ देंगे और मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जिस तरह आपने 40 साल कमलनाथ जी को अपना प्यार और विश्वास दिया है, आने वाले 29 अप्रैल को वही प्यार वही विश्वास मेरे से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 1 अप्रैल की शाम विवेकानंद कॉलोनी में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन युवा नेता नकुल नाथ ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, युवा नेता जय सक्सेना, समन्वयक आनंद बख्शीम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे सहित नेता पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद थे। देखिए आप लोग सब व्यवस्थित हो जाएंगे, थोड़ा साउंड कम कर दो, आप लोग सब व्यवस्थित हो जाएंगे। उद्घाटन में आए आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शहर कांग्रेस की ओर से और हमारे सभी कांग्रेस की ओर से आपका स्वागत करूंगा।
भाई पंकज शुक्ला जी और सुरेश कटारी जी दोनों कैरेक्टर का स्वागत करें। आप सबका अभिनंदन, आप सबको स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबके लिए खुशी का भी मौका है और चैलेंज स्वीकार करने का भी मौका है। चैलेंज इस बात का है कि भाई कई बार चुनाव लड़ रहे हैं और कमलनाथ जी का विकल्प भाई मोदी और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे होने वाले विधायक हैं और नकुलनाथ जी जो अधूरे सपने कमलनाथ जी के रहेगा उनको पूरा करने के लिए पूरे नेतृत्व और पूरा सहयोग पूरा आश्रय हमको नकुलनाथ जी से मिलने वाला है। ये जवाबदार हमेशा छिंदवाड़ा विधानसभा किसान सबसे आगे रहती है। मेरा आप छिंदवाड़ा होने के नाते यही निवेदन है जिस तरह आपने हमेशा प्यार और साथ दिया है नकुल भैया के लिए और कमलनाथ जी के लिए, आप सब 29 तारीख को होने वाले चुनाव में अपने खुले दिल से प्यार दिली प्यार और नकुलनाथ जी को कमलनाथ जी को देंगे। हम इन लोगों को केवल प्यार और अपना दे सकते हैं, इसके मतलब इनसे हमें जो चाहिए सारी चीजें हमें मिलने वाली है और मेरा निवेदन आप स्वीकार करेंगे, यही आपसे निवेदन है। आप सबको धन्यवाद। अभी तक पूरे जिले में चुनाव का माहौल नहीं बना। ये आज मैं परासिया तरफ गया था, जुनार्दियों तरफ गया था, अमरवाड़ा की तरफ गया था और हर जगह देखने को ये मिल रहा है कि चुनावी माहौल नहीं है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस की लहर है ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ, दोहराता हूँ कि जोश और उत्साह अच्छी चीज है, जोश बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जोश के साथ होश भी होना चाहिए। तो आज पहली तारीख है, अगर आप कैलकुलेट करें ठीक चार हफ्ते बाद आज ही के दिन सोमवार के दिन मतदान होने जाएगा। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है अगले 3-4 दिन में बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। तब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, अति आत्मविश्वास में ना रहें और जैसे कि कमलनाथ जी ने विधानसभा चुनाव में पूरे छिंदवाड़ा विधानसभा की जिम्मेदारी आप लोगों को दी, इस बारी भी विधानसभा फिर से आप ही लोग इसे संभाले। विवेकानंद कॉलोनी में कार्यालय उद्घाटन के बाद कांग्रेस के युवा नेता नकुलनाथ ने कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं समन्वयक आनंद बख्शी के निवास पहुंचकर परिजनों से सौजन्य भेंट की। आओ शुक्ला जी, बैठे बैठे आओ, बच्ची परिवार की ओर से कमलनाथ जी उनको आशीर्वाद दो, ये कमलनाथ जी जैसे ही यशस्वी होना चाहिए। बहुत शानदार अच्छे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में आज पातालेश्वर धाम क्षेत्र में कांग्रेस के जोन प्रभारियों की बैठक संपन्न हुई। प्रत्याशी माननीय कमलनाथ जी है और लोकसभा के प्रत्याशी है माननीय नकुलनाथ जी है। माननीय कमलनाथ जी ने कितने काम किए ये सब बातें हम कैसे उनको रखें, ये मार्गदर्शन दीपक भैया
और पंकज शुक्ला जी, गोविंद बजोलिया जी आपके सामने रखेंगे। मैं जो आपने हमें उम्मीद और साहस दिलाया था उसका परिचय वार्ड नंबर 19 जो हमारे रेलवे स्टेशन से आज तक नहीं जीते, लेकिन इस बार ही जाबाज सिपाही जिताया, उसके लिए मैं इन सभी का नमन करता हूँ। जो लाज आप हर बार बोलते थे लोग आने हार जाते हैं, लेकिन इस बार आप जीते हैं, उन सभी के लिए भैया की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण छिंदवाड़ा के लाडले विधायक आदरणीय दीपक सक्सेना जी, उपस्थित हमारे इस वार्ड के पार्षद मनोज कुशवाहा जी, इस विदित है कि आने वाला समय लोकसभा और विधानसभा चुनाव का है। हम लोग सभी ने इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें हमारे पास कुछ ना होते हुए भी हमने वो अपनी भूमिका उस चुनाव में निभाई, चाहे वो एक एक आदमी के घर घर जाने की बात रही हो या हमारी माताएं बहनें जो अपना प्रयास आप लोगों ने अपनी मंडली या आपके जो संबंधी हैं जो आपकी सहेलियां उनके बीच में किया, और आदरणीय दीपक सक्सेना जी को आपने इस वार्ड से विजयी बनाया। और जब इस वार्ड से विजयी बनाया तो छिंदवाड़ा शहर, अभी तो पूरा विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा अच्छे मतों से, लगभग 15,000 मतों से आपने दीपक सक्सेना जी को विजयी बनाया। आदरणीय माहौरे जी, मनीष पांडे जी, दीपा माहौरे जी, हमारे मनोज कुशवाहा जी पार्षद, सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, आदरणीय भाइयों, आप सबकी मेहरबानी और आपके प्यार से मैं छिंदवाड़ा का विधायक बन गई। तो लोगों ने तो हैरत कर दी थी कि शायद आज मैं खड़े होकर यहाँ बोलने की हैसियत भी नहीं रखता। तो आपने प्यार और इज्जत दी है, आपने मेरे को इस लायक बनाया, मैं हमेशा जिंदगी भर आपका आभारी रहूँगा। आप सबको फिर से हमेशा के लिए नमन करता हूँ, और जब भी जैसी जरूरत होगी एक कमलनाथ जी की सिपाही के रूप में मैं आपकी सेवा करूँगा, ये आपसे वादा है। और आपने बहुत बुरे समय मेरी इज्जत बचाई है, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ किस तरह आपसे बोलूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिले का नेतृत्व कमलनाथ जी के पास है, और कमलनाथ जी अभी व्यवस्था ऐसी कि पहली बार कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सबके सहयोग से आपके आशीर्वाद से बने, तो जो मुख्यमंत्री बनता है उनको विधायक बनना पड़ता है, इसलिए मैंने पद खाली किया हूँ, कमलनाथ जी विधायक बनेंगे और उनकी जगह पे नकुलनाथ जी जो छोटे भाई हैं भतीजे हैं मेरे, नकुलनाथ जी हमारे सांसद बनेंगे। तो आपको दोनों को प्यार देना है, कमलनाथ जी को भी और नकुलनाथ जी को भी। जहाँ छिंदवाड़ा के विकास और मध्य प्रदेश की सरकार की बात आती है, हर वर्ग के लिए हम लोगों ने जो वादे किए थे, गरीबों के लिए, बेरोजगार हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए, शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर हर क्षेत्र में छिंदवाड़ा का विकास, पीने का पानी, रास्ते, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, कौन सा ऐसा काम है जो हम लोगों की सोच के बाहर के असंभव काम थे, वो भी कमलनाथ जी ने पूरे मंजूर कर दिए। अभी बनते से करीब 22,000 करोड़ की योजनाएं, आपका ड्रेनेज और पीने का पानी सबके लिए अलग अलग 350 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आया, आदिवासी एक म्यूजियम आ रहा है 36 करोड़ का, 60 करोड़ का एक आयुष औषधालय अलग से भी आ रहा है, 160 करोड़ का जेल आ रहा है, और साथ साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उद्योग लगाने मध्य प्रदेश में आ रही है, और सबसे ज़्यादा रोजगार छिंदवाड़ा में लगेंगे। अभी नकुलनाथ जी एक मक्का की फैक्ट्री जा रहे हैं, उसमें भी हजारों की संख्या में लोगों को काम मिल रहा मक्का से, मतलब जो हरा मक्का के डंठल होते हैं, जो खाप निकलती है, छोर निकलना जिसको हम लोग कहते हैं, खप्पे जब निकलते हैं किसान लोग समझते हैं, जो छूछ होती है, भुट्टा निकलता है जब, तो वो पोचा वाला भुट्टा ही खड़ा मशीन से जैसा गन्ना कटता है ऐसा काट के उसको प्रोसेस करके उसको विदेश भेजा जाएगा। तो इस तरह की जो कंपनी आएंगी उससे किसानों को भी फायदा मिलेगा और भाई बहनों को काम मिलेगा। इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी आ रही, चाहे वो उसमें से जा रहा है जिसमें काफ़ी हज़ारों की संख्या में रोजगार लोगों को मिलना है, 30-40 हज़ार लोगों को नागपुर के पास, संसार के पास में, और इसी तरह यहाँ पर जो दूसरी कंपनी आ रही टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट। लोकसभा निर्वाचन 2019 और विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार व्यापक तैयारियां और इंतजाम किए जा रहे हैं। आज नाम निर्देशन पत्र जमा कराने का पहला दिन था, जिसके लिए एक दिन पूर्व सक्षम अधिकारियों ने सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधों का जायजा लिया। अपने स्लाइडिंग रखना सुनो देने स्लाइडिंग रखना नहीं नहीं वो जो डाइवर्सन दे रहे हो आप वो जो मोटर बोला वो डाइवर्सन उधर से हो जाएगा वो वही डाइवर्सन विधानसभा उपचुनाव
2019 और लोकसभा चुनाव 2019 के नाम निर्देशन का स्थल चिन्हित किया गया है कलेक्ट्रेट को। उस कलेक्ट्रेट के आसपास की व्यवस्थाएं बैरिकेटिंग 100 मीटर का पैरामीटर्स की व्यवस्था देखने के लिए यहां पर हम सभी पुलिस अधिकारी आए थे अभी, और ये व्यवस्था बनाई गई है कि 100 मीटर के पैरामीटर्स में अन्य लोगों का की आवाजाही को कम करने और उस 100 मीटर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ बैरिकेड्स किया गया है रोड पे, जिसमें दोनों ओर मुख्य गेट प्रत्याशियों के आने का जो स्थल है वो मुख्य गेट रहेगा एक नंबर, और उस एक नंबर गेट से ही प्रत्याशी अंदर आ पाएंगे। इस वाले गेट पर जो गेट नंबर 2 है, इसमें से सिर्फ जो कलेक्ट्रेट का स्टाफ है और मतदान कार्य में लगा हुआ जो बल है या स्टाफ है वही इस गेट से प्रवेश करेगा अपने आईडी के साथ में, उनको प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्याशियों के लिए प्रवेश द्वार गेट नंबर 1 रखा गया है प्रियदर्शनी पार्क के आगे वाला, और दोनों तरफ बैरिकेड्स में जो 100 मीटर पर लगाए जाएंगे इसके अगली वाली रोड पे हम दोनों तरफ के ट्रैफिक को चलाएंगे। कुछ समय के लिए जब हमारे पास भीड़ भाड़ या नाम निदर्शन के समय भीड़ ज़्यादा होगी उस समय हम ये कोशिश करेंगे कि एक ही ट्रैक पर दोनों तरफ के ट्रैफिक को चलाएं, और पर्याप्त बल व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है और इस पूरे स्थल को बेहतर तरीके से सुरक्षित भी किया गया है। विराट कल्चरी समाज द्वारा समागम एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन 3 अप्रैल को छिंदवाड़ा में संपन्न होने जा रहा है। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों व आयोजन के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। कल इसमें हैदराबाद से गोपाल मोहर भी आ रहे हैं और प्रदीप अग्रवाल जी, और सबसे कंप्यूटर बाबा को आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, तो कंप्यूटर बाबा भी कल शिरकत करने आ रहे हैं। और हमारे बीच में मैंने इस कड़ी को संयोजन करने वाले मैं और प्रदीप भाई हैं, वो हमारे अतिथि भी हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं, हमारे बंधु भी हैं, और इस पूरे प्रोग्राम को सब पूरा ध्यान रख रहे हैं प्रदीप भाई, मेरे ख्याल से वो शाम तक आ जाएंगे। कैबिनेट मंत्री हैं मोहन राय भी आ रहे हैं, और हाँ संदीप जायसवाल जी कमाल हैं, हमारे टोटल 4 विधायक हैं, 4 में से 3 हमारे विधायक और 1 कैबिनेट मंत्री। सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें परिचय सम्मेलन रखा जा रहा है, बुजुर्गों का सम्मान है, युवाओं का सम्मान है, महिलाओं का कुंजी मिलन समारोह है, और सबसे प्रमुख कार्यक्रम में हमारा कल्चरी समाज आदरणीय कमलनाथ जी को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहा है, उनका सम्मान कर रहा है। उन्होंने प्रदीप जायसवाल जी को जो कैबिनेट मंत्री बनाया है उसके लिए, और OBC को जो लिया गया है कि 27% जो आरक्षण देंगे उसके लिए भी धन्यवाद भी ज्ञापित किया जाएगा। और आने वाले समय में कल्चरी समाज कैसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो उस बारे में चिंतन और मनन किया जाए। कल के कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो? कल के हैदराबाद से गोपाल मोहर जी, नागपुर से दीपक जायसवाल जी, राजस्थान से शिवचरण हांडा जी, और गुजरात से प्रकाश जायसवाल जी, ऐसे बहुत सारे लोग हर जिले से भी यहाँ पर आएंगे और सभी वर्गों का ये समागम है। और कंप्यूटर बाबा जो महामंडलेश्वर है जिनको भी 3 नदी का न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है वो भी यहाँ पधारेंगे। ऐसे करके बृहद रूप से सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है जिसकी रूपरेखा सब यहाँ के सभी हमारे कल्चरी कला बंधुओं ने बनाई गई है, और कल इसमें मैं आप सभी के माध्यम से छिंदवाड़ा के आसपास और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को इस प्रोग्राम में आने का आमंत्रित। मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्टेडियम ग्राउंड में खिलाड़ी चौपाल का आयोजन किया गया। DO अरविंद चौरागरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर सर की गरिमामय उपस्थिति है, सर का उद्बोधन और मार्गदर्शन इन बच्चों को मिले। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जो जिला स्तरीय खेल चौपाल है वो आज यहां पर हम संपन्न करने जा रहे हैं। मैं सीधे ही जिला, जैसा कि गवर्नमेंट का निर्देश था कि सभी खिलाड़ियों की चौपाल की जाए। चौपाल में आप जानते हो चौपाल का मतलब क्या होता है? चौपाल का मतलब क्या होता है पता है आपको? नहीं। गांव कभी देखा है किसी ने? गांव देखा है? गांव के बहुत सारे लोग होंगे, वो शाम को गांव के बड़े बूढ़े और कुछ बच्चे कहीं एक जगह जमा हो जाते हैं, होते हैं ना, और फिर गप लगाते हैं, और उसमें
जो उनकी सारी सुबह शाम की जितनी गतिविधियां आगे पीछे की गतिविधियां उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसको अपन चौपाल बोलते हैं। जैसे अपन कुछ साधारण वर्ड में बोले तो गप्पान, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि आप जितनी भी बातें करें वो स्पोर्ट के साथ साथ निर्वाचन के बारे में भी करें। सबसे ज़्यादा पब्लिक किससे जुड़ी रहती है मालूम है आपको? किससे जुड़ते हैं? स्पोर्ट्स से। आप क्रिकेट के मैच में कभी स्टेडियम देखे हैं आपने? बड़े मैच जो होते हैं सारा फुल होता है, फुटबॉल सारा फुल होता है। तो सारे जो लोग हैं जो खेलते नहीं हैं वो भी किनको चाहते हैं? खिलाड़ियों को। ब्रांड जो ब्रांड एम्बेसडर आपके जो बनते हैं अपने बड़े बड़े, वो सब खिलाड़ी बनते हैं। चाहे सचिन तेंदुलकर ले लें या जितने भी जो अपने क्रिकेटर हैं, हॉकी के प्लेयर हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, वो सब ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं। और हमारा प्रयास ये हो कि आप खेल के माध्यम से अवेयर करें जनता को कि उनको इस बार वोट जरूर देना है, क्योंकि यदि अच्छा प्रशासन, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे तो हमारी जो गतिविधियाँ हैं वो सब किन के माध्यम से चलती हैं? सरकार के माध्यम से चलती हैं। वो आपके जितनी डिमांड होगी या आप जो चाहते हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। पुकार है, दूसरा नारा है लोकतंत्र, लोकतंत्र का है आधार। मिशन की ओर से नियुक्त है विनीता नेटी, इसमें सहभागी बनने जा रही है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। आइए हम सब उस शपथ को दोहराएं। शपथ के लिए तैयार, अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। लोकसभा 2019 में 1% मतदान करने हेतु हम शपथ लेते हैं कि हम सभी अपने परिवार, मित्र व समाज के मतदाताओं को जागरूक करने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद। खबरों के सत्तार को आराम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 AC हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स, यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जेरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा।
साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। विवेकानंद कॉलोनी स्थित कांग्रेस चुनाव कार्यालय में आज पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में वार्ड क्रमांक 48 के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। पीने का पानी और दो तीन दिन आज गर्मी होने के बाद रोज नहला रहे होने वाले समय में जो हमारी बस फर्स्ट फ्लोर में सेकंड फ्लोर वहाँ तक आप सबका पानी पहुंचेगा। पानी किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। जो 9 महीने में माचापुरा का पानी आया था, दो महीने ढाई महीने में आया, 22 एक्स्ट्रा मशीन लगा के 22 करोड़ रुपए दिया और आज आपकी हमको हमें सबको पानी मिल रहा है। और इसी तरह से हमारा विकास के लिए, हमारी शिक्षा के लिए आज ही राहुल गांधी जी जो घोषणा की है गरीबों को 72,000 रुपये साल का देंगे और वो एक साल में 2020 तक 22 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात है। मध्यप्रदेश की सरकार ने जो मशीन दी है उसमें रोजगार दिया जाने की सरकार नौजवान रोजगार शासन कमल गांधी को फैक्ट्री लगा रहे हैं टेक्सटाइल इस्पात गारमेंट इस्पात से और अन्य कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, कमल गांधी और नकुल गांधी। नकुल गांधी की सोच और क्षमता कोई कम नहीं, बहुत जोर से में कमल गांधी जी आपके दायरे और साथ साथ उनको एक कुशल पायलट के साथ साथ वो उद्योगपति और देश विदेश का पूरा तरह का अनुभव रखते हैं। राजनीतिक परिवार होने का राजनीति दोनों की जानकारी है, वो तरह तरह ढंग से काम बात कम करें जिससे लोगों को फायदा मिले, हमारे नौजवान भाई जानों को रोजगार मिले और छिंदवाड़ा में वो कैसा भला हो। कुछ आगे लोग सोच सोच के हर तरह के नए प्लान कर रहे हैं। एक मक्का से संबंधित रोड के बारे में हमसे बात की कि 45 दिन का जो मक्का होता है जब छोड़ के करता हूँ उसको स्टार्टिंग में पड़े का आप समझते हो उसे ठप्पे निकलने के पहले उसको पूरा भी खड़े के आती हार्वेस्टर से ऐसी फैक्ट्री बुलाना चाह रहे हैं जिसमें कि काफी लोगों को रोजगार मिले। छिंदवाड़ा का मौसम विभाग कार्यालय खुद गर्म मौसम का शिकार होकर आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। चारे के झुरमट में लगी आग तेज हवा के साथ भड़की ही थी कि आनंद फानंद में लोगों ने दमकल अमले को फोन किया और आग पर काबू पाया गया। मौसम विभाग में लगी अंगार, पता नहीं कहाँ से लगी है, तो हमको सूचना मिलते हुए हम अंगार बजाने आए। मौसम विभाग छिंदवाड़ा है, यहाँ पीछे में जंगल में आग लग गई थी उसे बुझा दिया। लोकसभा निर्वाचन 2019 और विधानसभा उप निर्वाचन के लिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की बिल्डिंग अधिग्रहित की गई है जो निर्वाचन कार्य की पूर्णता के बाद ही परीक्षा कार्यों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। लिहाजा पीजी कॉलेज में इस दौरान होने जा रही सभी परीक्षाओं के लिए डीडीसी को केंद्र बनाया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने इस संबंध में प्रेस को जानकारी दी। चालू हो गया धीरे धीरे और इस समय कॉलेज में 18 में इसकी परीक्षाएँ चल रही हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लगभग समझ लीजिए कि 2 से 2.5 हज़ार बच्चे परीक्षा में अपीयर हो गए दोनों क्लास में मिला के तो 1,000 लगभग फर्स्ट ईयर में एक क्लास में हो जाते हैं और लगभग 700-800 बच्चे सेकेंड ईयर में हो जाते हैं। वैसे मतलब 9 से 12 और 2 से 5 ये दो शिफ्ट में हमारी परीक्षा चल रही है और लगभग हमारी 75% परीक्षा निपट गई है, 30% परीक्षा बची है
और उसके कारण से हमारा पूरा रिजल्ट रुक जाएगा यदि हम अभी परीक्षाएं नहीं कराएंगे। तो 2,500 बच्चे लग रहे मान के चलिए, तो उस स्थिति में यह है कि हम लोग छात्र ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सेंटर लेके जहाँ पर पूरी परीक्षाएं करा सके ताकि हम बच्चों का रिजल्ट भी टाइमली दे सकें बोर्ड के हित में। तो ये सोचकर पूरे स्टाफ काउंसिल है और ऑटोनॉमस की जो परामर्शदात्री समिति है सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि परीक्षा केंद्र को परिवर्तित करके यानी पीजी कॉलेज में करवाना संभव ही नहीं है तो परीक्षा केंद्र में रखकर वहाँ छात्रों की परीक्षा करा दी जाए। 1,000 बच्चे एक शिफ्ट में एकोमोडेट हो जाएंगे वहाँ। जे बता ना कि नहीं सुन पाए नहीं समझ पाए तो ऐसा भी हम लोगों ने आपस में शेयर कर रहा है। ये सारा ऑटोनॉमस की व्यवस्था है आपकी है तो कोई दिक्कत है नहीं, यूनिवर्सिटी से कोई परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं, सिंपली सूचना दे दी है, सूचना दे दी है। राजेंद्र लौटी का भी एग्जाम यहां हो रहा है उनका चेंज हो रहा है उनका कुछ बदल रहा है तो बहुत छोटे 160 बच्चे मतलब उनका हो जाएगा मेरे पास जब तक संभव हुआ। पूरा महाविद्यालय परिसर चुनाव को चला जाना है तो इस स्थिति में हमको छात्रहित में निर्णय लेना पड़ा। पहले तो स्वशासी प्रकोष्ठ की परामर्शदात्री समिति ने यह निर्णय लिया कि उचित केंद्र देख करके परीक्षा केंद्र परिवर्तित करके शेष परीक्षाएं वहां कराई जाए और फिर स्टाफ काउंसिल में भी इसको रखा गया तो सभी ने एक मत से छात्रहित में यह निर्णय लिया कि डेनियलसन डिग्री कॉलेज को परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया और 10 तारीख से यानी 24 तारीख पर परीक्षाएं वहीं होंगी और 25 से 30 तक का गैप रखा गया है क्योंकि लगभग पूरा स्टाफ चुनाव ड्यूटी में रहेगा। 1 मई से पुनः परीक्षाएं शुरू होंगी, शेष परीक्षाएं जो भी बचे 10 मई तक सारी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। तो इस तरीके से यानी एक व्यवस्थित तरीके से परीक्षा को संपन्न कराना हमारा उद्देश्य है जिससे कि छात्रों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, उन्हें समय पर परीक्षा परिणाम प्राप्त हो जाए और वो निश्चिंत हो सके। मैम अभी तक कितने विषयों के पेपर हो चुके हैं और कितने बचे हुए हैं? लगभग यानी हमने बताया 70% परीक्षा हो चुकी है, कंप्यूटर बचा हुआ है, संस्कृत ज्योग्राफी बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा हुआ है साइंस में, इस तरह से इतनी परीक्षाएं बची हुई हैं जिनको कि हमें कराना है। ये सभी स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष। मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि क्या पहले इस बात का वो नहीं था कि चुनाव है कॉलेज में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी? देखिए सर एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग 1 महीने पहले परीक्षा टाइम टेबल घोषित करते हैं नियमतः और उस समय तक चुनाव कोई घोषणा हुई नहीं थी और हम लोगों ने इसीलिए 11 मार्च से परीक्षाएं शुरू की थी कि 29 अप्रैल तक आते आते हम लगभग परीक्षा को ख़त्म कर रहे थे और एक संभावना के तहत कि मान लीजिए मई फर्स्ट वीक में भी चुनाव की डेट आती है तो हमारी परीक्षाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। और चूंकि अब चुनाव 29 को है और यानी महाविद्यालय बहुत पहले ही उनको अधिग्रहित हो जा रहा है तो इस स्थिति में इन्हें हमारा यहाँ परीक्षा कराना संभव नहीं हो पा रहा। चूँकि पीजी कॉलेज शहर से थोड़ा सा आउट में पड़ता है जी, वो ले जाने की व्यवस्था वहाँ की गई है कि बच्चों को वहाँ सेंटर तक उनको सुविधाजनक ढंग से पहुँचाया। माध्यम से स्वशासी छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक ये बात बताने की कि 10 तारीख से सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट के सारे पेपर स्वशासी स्नातक महाविद्यालय छिंदवाड़ा के डेनियलसन डिग्री कॉलेज में होंगे। कृपया सभी छात्र एवं छात्राओं से निवेदन है कि वो समय से पूर्व डेनियलसन डिग्री कॉलेज पहुंचकर हमारी मदद करें। एमएलबी कन्याशाला में इन दिनों लोकसभा निर्वाचन एवं विधानसभा उप निर्वाचन के लिए अलग अलग स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण का दौर जारी है। इसी क्रम में आज बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई। ये चीजें आप लोगों को जो व्यवस्था है ये खुद से ना करके करवाना है सचिव इनके माध्यम से, लेकिन नजर रखना है आप लोगों को, यदि कहीं कोई व्यवस्था में कमी है तो हमें बताइएगा। मान लो कोई सचिव नहीं सुन रहा है नहीं कर रहा है तो हमें बताएंगे। मतदान दलों के लिए भोजन की व्यवस्था जो है वो सचिव जो है स्व सहायता समूह के माध्यम से कराएंगे, जिनका भुगतान मतदान दल अधिकारी अपने मानदेय से करेंगे, ठीक है। पीने के पानी के लिए घड़ों की व्यवस्था, ग्लास जग की व्यवस्था,
ये रखेंगे वो घड़े के स्थान पे, उनको बोला गया विश्व प्रभाव जो कैन आता है वो कैन रखेंगे और डिस्पोजल ग्लास। सबसे पहले ये बताइए कि कितने बीएलओ ऐसे हैं जिनके मतदान के बदल गए हैं, पहले 299 में 300 हो गए हैं, 177 के आगे 177 के आगे एक एक बढ़ गया, 177 के दो भाग हो गए तो एक 177 रह गया, एक 178 हो गया। आपको वोटर लिस्ट भी मिली है तो आपके वोटर लिस्ट में जो मतदान केंद्र का क्रमांक हुआ, नाम भवन का नाम और अनुभागों की संख्या लिखी हुई है, वही चीज मतदान केंद्र के सामने लिखा हुआ होना चाहिए। लिखा है वही सात से छह और ये भी लिखना है वहां मतदान केंद्र पे, लिख गया है ठीक। पहले 9 घंटे वोटिंग होती थी, इस बार 11 घंटे वोटिंग है, 8 से 5 थी अब 7 से 6 है। पिछली बार तक चुनाव में ये नियम थे कि कोई भी वोटर जो आप वोटर पर्ची वितरित करते हो, अगर वो कोई और दस्तावेज नहीं ले जाता, वोटर आईडी कार्ड नहीं ले जाता, तो वो वोटर पर्ची के आधार पर भी वोटिंग कर लेता था। इस बार आयोग ने ये नियम बदल दिया, वोटर पर्ची के अलावा अपना इपिक कार्ड या तो 11 दस्तावेजों में से कोई एक, मतलब इपिक सहित 12। वो लिस्ट आपको मिल गई, अभी मिल गई, किसी को नहीं मिली हो तो हाँ खड़ा करें। वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा आज होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, रंग गुलाल के साथ शुभकामनाओं का तिलक लगाकर पर्व की खुशियां मनाई गई। ये कठिनाई सब के ऊपर आई और ये भी कोई भी ऐसी स्थिति आए आपने फौरन उनको ला करके यहाँ भर्ती कराई, आज आपका आपका जीन जो खत्म हो गया, आपकी तत्काल व्यवस्था नहीं थी आपको। हाँ। क्या हुआ कि इसका शिविर लगने वाला था अपना बोलियो, तो उनको इंचार्ज बना दिया गया, वो वहाँ शिविर में नहीं जा पाए। हाँ। और 3 बजे रात को उनको तकलीफ हुई, उनकी पत्नी भी डॉक्टर तो अस्पताल में उनकी ड्यूटी, तो 3 बजे से उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि उनका तो हमेशा तबियत गड़बड़ रहती है और कुछ हम अब जब ड्यूटी अस्पताल ले चले हम भी आते हैं। वहाँ से वो अस्पताल लेकर गया, अस्पताल में जैसे ही वहाँ पर उनको भर्ती कराओ, भर्ती कराने के बाद ले गए प्रयास है कि जो ऐसे ऑटोमेटिकल गाड़ी खुली गया है यहाँ पर, ऐसी व्यवस्था अस्पताल में होनी चाहिए। आज आप देख रहे हो कि कभी परसों पेपर में आया है आइए सर, आइए 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 इधर आइए, इधर आइए ना, इधर आइए, इधर पेंशनर सदन में आज कोल इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संगठन की मासिक बैठक संपन्न हुई। मैं उपस्थित सभी पेंशनर समाज के वैकल्पिक और सीआईएन के सदस्य हूँ। मैं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पर रिटायर हुआ 31 अक्टूबर 2013 को और मैंने मेंबरशिप तो पहले ले ली है, इस बैठक में शामिल हुआ हूँ और मुझे यहाँ बहुत से अपने पुराने साथी मिले, मुझे काफ़ी मैं जो
हमारे प्रतिनिधि उठा रहे हैं वे लड़ाई के पात्र हैं। धन्यवाद। मैं छिंदवाड़ा में गुलाबरा गली नंबर 10 में निवास करता हूँ। आज की बैठक हमारी मासिक बैठक है ये, और इसमें सेंटर से श्री SL यादव साहब आने वाले हैं थोड़ी देर में। पेंशन के केस हमारा हाई कोर्ट दिल्ली में चल रहा है, और पेंशन केवला की जो है बहुत कम है, उसमें BDA वगैरह कोई लगा जुड़ा नहीं है। रिवीजन के लिए भारत सरकार से नियम बनाए थे कि हर 3 साल में इसको रिवाइज करेंगे, परंतु भारत सरकार ने अभी तक नहीं की, इसलिए हम लोग पूरे भारत के CIL लेवल पर कोर्ट में केस लगा है, जिसकी 9 तारीख अप्रैल को जहाँ तक फाइनल है डबल बेंच में केस लगा हुआ है, और उसी को लेकर के हम आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि ये पेंशन जैसे हमको लागू हो जाए, प्रॉपर मिल जाए, और नहीं कोई अड़चन आएगी बीच में सरकार की ओर से या अन्य लोगों की ओर से। ऐसी स्थिति में पूरे CIL का कोयला का मजदूर एक साथ जय बोल करके भारत सरकार को पेंशन कैसे मिले उसके लिए हम बात। त्रिलोकी नगर में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानज्ञ स्थल पर प्रभु श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। और अब इन तमाम खबरों को समेटते हैं किसी देखते हैं सुर्खियां। एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। युवाओं के साथ जमकर झूमे और नाचे नकुलनाथ, ढोलक की थाप पर थिरके विधायक भी, 6 जनसभाएं। विवेकानंद कॉलोनी में बना कांग्रेस का चुनावी कार्यालय, नकुलनाथ ने किया उद्घाटन। स्टेडियम में लगी खिलाड़ी चौपाल, जिला शिक्षा अधिकारी ने दिलाई मतदान शपथ। और चुनावी अधिसूचना जारी, कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील, सक्षम अधिकारियों ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। इस बुलेटिन में खबरों का सफर नाम फिलहाल यही तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।